सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे वाले यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम लोग वापस एक और बार खेलने आने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में भाई हम लोग ने ये वाला घर बनाया था ताकि रहने के लिए, पर इसके अंदर इंटीरियर विंटीरियर मैंने कुछ भी नहीं करा गाइस। तो गाइस, आज का ये वाला एपिसोड ना भाई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि देखो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं भाई थोड़ा डायमंड माइनिंग के लिए। तो गाइस, डायमंड माइनिंग के लिए जाने के लिए ना भाई मुझे चाहिए थोड़े बहुत रिसोर्सेस, ताकि भाई मैं विलेजर से ट्रेड कर सकूँ भाई। क्योंकि देखो गाइस, अभी मैं विलेजर से थोड़ा बहुत ट्रेड करूँगा ना भाई, मतलब कि भाई एक विलेजर को मुझे बनाना है, मतलब लाइब्रेरियन बनाना है, एंड उससे खरीदूँगा बहुत ज़्यादा बुक शेल्फ, एंड मैं बना लूँगा एक, मतलब बताइए ना भाई क्या बनाऊँगा। अगर वो विलेजर फॉर्च्यून 3 दे रहा होगा तो मैं फॉर्च्यून 3 ले लूँगा गैस उससे। तो अभी फटाफट से मुझे एक काम करना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी शुगर केन है एंड थोड़े बहुत बोन मिल है, तो मैं उससे भाई थोड़ी बहुत वो बना लेता हूँ, क्या बोलते भाई उसको, हाँ शुगर केन को थोड़ा बहुत उगा लेते बोन मिल मार के। अभी के लिए पानी इधर डाल देता हूँ, एंड ये रहा भाई थोड़ा बोन मिल बना लेते हैं भाई, जितना बनता है उतना ही बना लूँगा भाई, अभी ज़्यादातर तो अभी नहीं बना सकते। एंड मुझे भाई नेदर पोर्टल को भी बनाना है, ठीक है ओके। तो क्या, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई, मैंने ना देखो कुछ भाई यहाँ पे वाटर डाला था, एंड भाई थोड़ा बहुत शुगर कैन को यहाँ पर कलेक्ट कर लिए थे। एंड भाई मैं एक फार्म भी बना लूँगा भाई, अभी थोड़ा टाइम लगेगा फॉर्म बनाने के लिए, तो बना लेंगे फॉर्म भी। तो भाई डायमंड माइनिंग के लिए ना भाई हमें जाना होगा लेवल कुछ 48 कुछ लेवल पे जाना, मतलब 48 बोल रहा हूँ भाई, 53 54 -54 कुछ तो लेवल पे जाना होगा गैस। तो गैस फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भाई थोड़ी बहुत वुड जो मेरे पास वुड है ना भाई, मैं उसको ना थोड़ा पिघलाने के लिए लगा देता हूँ, ताकि उसका मुझे चारकोल मिल सके, ठीक है। क्योंकि देखो भाई चारकोल ना भाई थोड़ा अच्छा काम आ जाता है हमें माइन में, तो भाई फटाफट से भाई, क्योंकि देखो भाई अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वुड विड कुछ भी नहीं है भाई, मतलब वुड बोल रहा हूँ भाई, कोल वोल कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैं फटाफट से काम करना पड़ रहा हूँ चारकोल बनाने के लिए भाई। मेरे पास फालतू की भाई मेरे पास फालतू की चीज़ें इतने क्यों पड़े रहते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना भाई, अभी क्या करूँ बोले तो, ये देखो ये जो है ना स्टेयर्स से अभी कोई काम के नहीं है मेरे को, तो मैं फटाफट से वाले स्टेयर्स को पूरे इनको यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि मुझे चारकोल बन के रेडी होके मिल जाए, ठीक है। एंड गाइस अभी फटाफट से एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे एक ना भाई बुक बना लेते, ठीक है। बुक बनाने के लिए भाई मुझे चाहिए पूरे कुल मिला के 3 3, पूरे 2 बुक चाहिए, मतलब 6 पेपर चाहिए गाइस, ठीक है। एक ये बन गया, 2 हो गए, 6 पेपर यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, मेरे पास एक ही लेदर है, मेरे पास और है भाई लेदर की कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास और पड़ा हुआ है लेदर, ऐसे नहीं कि लेदर नहीं है बोल के तो नहीं है, ठीक है, लेदर तो पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। एंड गाइस, मैं ये वाले एपिसोड में ना भाई पूरा फार्म भी बना के रेडी कर लेने वाला हूँ, मतलब फार्मिंग भाई, क्योंकि हमें भाई विलेजरों की तादाद बढ़ाना है ना भाई, तो इसलिए हमें फार्मिंग तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए भाई मुझे 3 बुक्स चाहिए गाइस, सॉरी 3 मतलब एक 3 4, हाँ 4 बुक्स चाहिए थे, क्योंकि देखो भाई विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है लैक्टन, तो लैक्टन बनाने के लिए भाई हमें चाहिए होता है भाई एक बुक शेल्फ। तो मैं यहाँ पे पूरे 4 बुक्स यहाँ पे बना लिए हैं। मैं एक काम करता हूँ भाई, मेरे पास पड़ा हुआ भी हो सकता है भाई, एक बार चेक कर लेता हूँ ना, चेक करने से कुछ भी नहीं आता भाई, एक बार चेक भी कर लेता हूँ क्या मेरे पास लैक्टन पड़ा हुआ है। अगर पड़ा होगा तो भाई मिल जाए यार, फालतू का भाई फिर से मैं बनाना पड़ेगा। चलो भाई नहीं है अभी इधर, तो बना लेते हैं फटाफट से लैक्टन। ओके, ये बना लेता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बुक सेल्फ। एंड भाई लैक्टन की रेसिपी भाई मुझे आइडिया ही नहीं है, तो थोड़े बहुत स्लैब चाहिए होते हैं उनको, 3 स्लैब कुछ चाहिए होता है, हाँ ये देखो भाई ये रहा भाई लैक्टन। तो मैंने यहाँ पे लैक्टन भी बना के रेडी कर लिया है गाइस,
ठीक है। तो अभी फटाफट से एक काम करना पड़ेगा मुझे, मैं जाता हूँ यहाँ पे, एंड भाई एक विलेजर को मुझे बनाना पड़ेगा लाइब्रेरियन। हाँ भाई एक बंदा यहाँ पे चुका है लाइब्रेरियन, तू चल भाई उधर। भाई अभी ये कैसे भागेगा भाई अंदर को, मैं काम करता हूँ ब्लॉक लगा के ही अंदर चलता हूँ गाइस। ठीक है यहाँ पे ऐसे कुछ ब्लॉक लगा देता हूँ एंड ऐसे कूद के अंदर जाता हूँ, एंड ये क्या ट्रेड कर रहा है देख लेता हूँ गाइस। ओके ये कुछ तो बुक ट्रेड कर रहा है भाई, अनब्रेकिंग की बुक ट्रेड कर रहा है भाई। मुझे अनब्रेकिंग वन ब्रेकिंग नहीं चाहिए यार, मेरे को चाहिए बुक शेल्फ। दे दिया तो भी चल जाता है भाई तू, ठीक है तो अगर बुक शेल्फ दिया भी ना मेरे को चल जाएगा ठीक है। हाँ गाइस ये अभी बुक शेल्फ देने के लिए रेडी हो चुका है, तो भाई हमें कुछ चाहिए 15 बुक शेल्फ। मैं एक काम करता हूँ फटाफट से यहाँ पे भाई इसको बंद करते हैं एंड भाई चलते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करने। भाई मेरे पास एक्स ही नहीं है, देखो भाई विदाउट एक्स जा रहा हूँ गाइस बुक्स मतलब वुड कलेक्ट करने के लिए। भाई मुझे कुछ एक आध स्टैग वुड एंड एक आध स्टैग भाई दो तीन स्टैग चाहिए भाई स्टिक्स तो। ठीक है मैं यहाँ पे एक एक्स बना। भाई मेरे पास फालतू का सामान तो बहुत ज़्यादा ही पड़ा हुआ है यार, ये पूरा ना भाई कॉबल स्टोन वॉबल स्टोन पूरे के पूरे अंदर भर देते हैं गाइस, मतलब चेस्ट के अंदर लगा देते हैं। अभी हमको इनसे कोई ज़रूरत नहीं है तो वूल भी लगा दो भाई अंदर, काम में आ जाता है बाद में, अभी काम में नहीं आया तो भी ठीक है। तो यहाँ पे वुड भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। भाई इतना ज़्यादा भाई मेरे पास फालतू का सामान पड़ा है ना, देखो भाई भरा पड़ा है गाइस फालतू सामानों से मेरा पूरा इन्वेंटरी। ठीक है मेरा पूरा इन्वेंटरी फालतू सामानों से भरा पड़ा है, ये भी हटा देता हूँ। ओके भाई ये एक दिन देख के ना भाई ये पूरा पूरा सामान भी अंदर को शिफ्ट कर देंगे घर के अंदर को। ठीक है तो भाई अभी मैं फटाफट से यहाँ पे चलता हूँ गाइस, यही से मुझे ज़्यादातर वुड मिल सकता है अभी, क्योंकि यहाँ पर ही भाई स्प्रूस वुड ही मेरे पास ज़्यादा है, कौन से दूसरे वाले वुड कुछ भी ज़्यादा नहीं है गाइस मेरे पास। ठीक है तो फटाफट से मैं यहाँ पे वुड कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। वन आवर लेटर गाइस यहाँ पे मुझे नज़दीक नज़दीक पूरे 43 वुड्स मिल चुके हैं। भाई आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना है गाइस कि भाई हम लोग क्या एक ऑटोमेटिक वुडन फार्म बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो भाई बता देना, मैं एक ऑटोमेटिक वुडन फार्म भी बनाना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि भाई बार बार वुड कलेक्ट करना बोले तो भाई हम अपने से तो नहीं होगा ना भाई। ठीक है तो इसलिए बोल रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे देखो भाई बहुत ज़्यादा स्प्रूस की सैपलिंग मुझे मिल चुकी है, तो फटाफट से एक काम करता हूँ यहाँ पे लगा देते हैं गाइस कुछ, देखो ऐसे चार करके लगा देता हूँ मैं। भाई स्प्रूस बहुत ज़्यादा ही उग जाती है गाइस ऐसे चार करके लगाए तो, ठीक है तो इसलिए भाई ऐसे चार चार करके लगा दो भाई आप लोग भी, तो बहुत ज़्यादा उठ के आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में वुड मिल सकता है स्प्रूस से। ठीक है एंड भाई मुझे चाहिए डार्क ओक वुड भी चाहिए था गाइस, वो भी एक अच्छा वुड ही है गाइस, तो देखना पड़ेगा भाई। ओके यहाँ पे और एक और स्नैप, तो मैं फटाफट से सैपलिंग्स कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे नॉर्मली सैपलिंग्स को प्लान कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे देखो मेरे पास इतने ज़्यादा सैपलिंग्स कलेक्ट हो चुके हैं भाई कि देखो मैं एक और ऐसी 4x4 की ट्री उगा सकता हूँ, और एक भी उगा सकता हूँ भाई ये देखो। चलो फटाफट से ये भी कलेक्ट कर, मतलब अभी कलेक्ट तो हो गए भाई बहुत ज़्यादा वुड है, अभी क्या एक काम करना पड़ेगा मेरे को, तो फटाफट से एक काम करते हैं भाई थोड़ा बहुत खाना भी है अपने पास, खाना भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है यहाँ पे देखो भाई, ओके चारकोल पूरे के पूरे बन के रेडी हो चुके हैं शायद। चलो भाई थोड़ा बहुत खाना भी लगा देते हैं भाई, लगे हाथ ही पक जाएगा। ठीक है और अभी भाई फटाफट से मुझे पूरे के पूरे वुड को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब प्लैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड भाई प्लैंक्स में कन्वर्ट होने के बाद भाई स्टिक्स में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई पूरे के पूरे को, बहुत ज़्यादा काम है गाइस अभी वुड का। तो चलो भाई अभी इतना वुड इतना ज़्यादा हो जाएगा गाइस, बट देखते हैं भाई मुझे चाहिए पूरे पूरे 15 बुक शेल्फ्स चाहिए गाइस, एक नहीं दो नहीं भाई पूरे पूरे 15 बुक शेल्फ्स चाहिए। क्या भाई इतने में बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो और हम लोग फ्लेचर बनाएंगे उनसे ट्रेड करेंगे। ठीक है चलो देखते हैं भाई अभी फटाफट से मैं यहाँ पे तो भाई कलेक्ट कर लेते हैं एंड फटाफट से उनसे ट्रेड करते हैं।
तो क्या फाइनली यहाँ पे भाई मेरे देखो पूरे 3 से 4 स्टैक यहाँ पे मेरे पास स्टिक्स हो चुके हैं भाई। रात भी हो रही है गाइस यहाँ पे, तो एक काम करता फटाफट से सो के सुबह उठ के भाई इनसे ट्रेड करते हैं अभी, ठीक है। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट डे भी हो चुका है, अभी फटाफट से मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि भाई फ्लेचर किधर गया गाइस अपना, देखो ये रहा गाइस अपना फ्लेचर। तो एक काम करता हूँ फ्लेचर से भाई फटाफट से हमें ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। ओके भाई साहब ये ट्रेड ही बंद कर दिया है गाइस इसने तो अभी, चलो अभी इससे ट्रेड करते हैं भाई। भाई ये तो 9 में दे रहा है गाइस एक एक बुक शेल्फ। एक काम करता हूँ ना भाई, मैं बाद में ले लेता हूँ भाई तेरे से बुक शेल्फ, अभी मुझे उतनी ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं बाद में ले लेता हूँ तेरे से बुक शेल्फ, ठीक है भाई। फालतू का भाई मेरे इतने ज़्यादा स्टिक्स मतलब ख़राब कर दिए मैंने भाई। 9 का एक बुक शेल्फ दे रहा बोले तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा है गाइस, ठीक है। तो अभी एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहाँ से देखता हूँ भाई मेरे पास क्या क्या बोलते हैं भाई, भाई मेरे पास तो ये पड़े ही नहीं है ना भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, मुझे आ रहा है इस नहीं भाई मुझे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना बनकर रेडी हो चुका है भाई, मेरे पास फेंस तो ये 4 पड़े हैं यहाँ पे। अबे यार फिर से मुझे फेंस भी बनाना पड़ेगा भाई अभी, तो फटाफट से फेंस भी बना लेते हैं थोड़े बहुत, ताकि भाई मैं थोड़ा प्लांटिंग कर सकूँ यहाँ पे। यहाँ पे भाई मैंने बना लिया है फेंस यहाँ पे। एक काम करता हूँ यहाँ से टॉर्चेस हटा देते हैं, एंड भाई मैं यहाँ पे बना देने वाला हूँ भाई एक अच्छा सा अपना फार्म, छोटा सा बनाऊँगा, बड़ा फार्म बाद में बनाएंगे गाइस, अभी छोटा सा बना लेंगे, बड़ा फार्म बाद में मैं ज़्यादातर फेंस कनेक्ट मतलब बना के तब बनाएंगे भाई, छोटा सा फार्म बना लेंगे अभी के लिए टेम्पररी के लिए, ठीक है। तो फटाफट से ये भी बनाना चालू कर देता हूँ गाइस मैं। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई मैंने पूरा पूरा फार्म का मतलब जो भी काम था भाई पूरा कंप्लीट कर लिया, थोड़ा बहुत सीड वीड वो थोड़ा बहुत बाकी थे। तो अभी फटाफट से भाई मुझे जाना है गाइस, मतलब कि भाई हमें जाना है इधर भाई, इसकी तो ऐसी तरह से इधर क्या कर रहा है भाई तुम, हाँ हमें जाना है गाइस डायमंड माइनिंग के लिए। तो भाई फटाफट से हम लोग तैयार हो जाते हैं डायमंड माइनिंग के लिए जाने के लिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ भाई, जो भी फालतू का सामान है भाई मेरे पास वो फटाफट से चेस्ट के अंदर को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये पूरा पूरा फालतू का ही सामान है गाइस, अभी खाना नहीं है, फालतू सामान नहीं है वो। और क्या है भाई फालतू सामान मेरे पास, रोटेन फ्लैश भी फालतू का ही से, और पोटैटो रख लेते हैं भाई खाने के लिए काम आ जाएगा, एंड ये भी फालतू का ही से। ये डर्ट डर्ट क्या करूँगा भाई, इतना ज़्यादा डर्ट लेके जाके क्या करूँगा, कैसा मैं स्ट्रिप माइनिंग ही करने जाने वाला हूँ गाइस अभी, क्योंकि देखो भाई अभी स्ट्रिप माइनिंग ही बेस्ट है गाइस, ठीक है। अभी माइन के अंदर जाऊँगा तो भाई अंदर गुम हो जाऊँगा, फिर से आना पड़ेगा बाहर, फिर से ढूंढना पड़ेगा भाई, ये पूरा झंझट नहीं चाहिए मुझे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ फटाफट से, कितने 5 पिकैक्स एक बना लेते हैं इसके आयरन के, 3 से 4 बना लेता हूँ ना भाई, 3 बना लेते हैं आयरन के पिकैक्स, एंड एक स्वॉर्ड बना लेते हैं भाई, स्वॉर्ड तो नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। तो चलो भाई अभी फटाफट से पूरे इन्वेंटरी में ले लेते हैं, एंड भाई मुझे चाहिए एक क्राफ्टिंग टेबल भाई, एक्स्ट्रा पड़ा है क्या मेरे पास, हाँ ये वाला पड़ा है ना भाई। तो चलो अभी फटाफट से मैं एक काम करने वाला हूँ मेरे भाई, थोड़े बहुत टॉर्चेस भी बना लेते हैं फटाफट से यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा थोड़े ना भाई बहुत ज़्यादा बन जाएंगे टॉर्चेस अपने को, कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस अभी टॉर्चेस की तो, ठीक है। तो फटाफट से भाई -53 या -54 लेवल पे चल जाते हैं गाइस, एंड वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइस अपनी पूरी पूरी स्ट्रिप माइनिंग, ठीक है। तो फटाफट से चल जाते हैं स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए, रेडी हो जाते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। एक काम करता हूँ गाइस मैं फटाफट से यहाँ पे जो भाई थोड़ा बहुत वाटर भी ले लेते हैं, अगर लावा वावा रहा तो भाई हम लोग बच सके, ठीक है। तो भी फटाफट से काम करता हूँ गाइस, मैं स्ट्रिप माइनिंग किधर से स्टार्ट करूँ भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो चलो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रिप माइनिंग हम लोग, ठीक है। तो मैं माइन इधर से स्टार्ट करता हूँ गाइस, तो चलो भाई फटाफट से चलते हैं भाई, एक एक ब्लॉक ही भाई ऐसे खोदते चलेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब एक कैसे बोले तो भाई एक परफेक्ट माइन बना लेंगे गाइस हम लोग। I'm trying to hide from the demons inside my mind. There's nowhere to go. No matter how hard I try,
facial. I've tried a million different ways to leave. Oh my, why can't I not find the key? It's too dark, no one shows me how to see. Tell them the whole story, it may take a couple hours. I've got time, let's get the chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics. Teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language. And I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity. But all my thoughts destroyed, give me some peace of mind. It's all I need to give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't need. Play pretend. You think you are everything I need, but I'm gonna तो ओके गाइस, भाई बहुत दिनों के मेहनत के बाद हम लोग भाई आ चुके हैं, भाई ऊपर जा रहे हैं। तो भाई मुझे लगता है भाई ऊपर की साइड रात हो चुकी है भाई। हाँ गाइस, यहाँ पे रात हो चुकी है भाई। एंड भाई यहाँ पे मैं ना गाइस गेम पीसफुल में डाल के खेल रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाइस मुझे जाम हुई है उसके, मतलब झंझट में नहीं, उनका साउंड आते रहता है भाई बहुत ज़्यादा है बोल के। तो फटाफट से मैं इसको ना नॉर्मल में कर लेता हूँ गाइस। सेटिंग्स में चलते हैं एंड ये पीसफुल को नॉर्मल में कर लेते हैं, इजी पे खेलूँगा चलो भाई अभी के लिए। एंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल विलेजर्स भी सो रहे, तो हम लोग भी थोड़ी देर सो के उठते हैं भाई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो इसलिए भाई थोड़ी देर सो के भी उठते हैं। एंड भाई सुबह उठ के ना भाई मैं पूरा, अभी सुबह भी हो चुके हैं गाइस यहाँ पे, अभी फटाफट से मैं काम करता हूँ भाई। मेरे पास इतना ज़्यादा फालतू का सामान है। एंड देखो भाई आयरन भी मैंने बहुत ज़्यादा कलेक्ट कराया गाइस माइन में,
एंड रेडस्टोन भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है मैंने। एंड यहाँ पे देखो गाइस, मुझे ना गाइस फटाफट से यहाँ पे देखो पूरा फालतू का सामान ना फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। एंड गाइस मैं यहाँ पे एक चेस्ट बना लेते हैं ना गाइस, क्योंकि भाई ये जो कीमती सामान है ना भाई, आयरन और ये रेड स्टोन, वो सभी के सभी मैं एक चेस्ट में अंदर घर के अंदर लगा दूंगा। तो फटाफट से चलते हैं गाइस घर के अंदर एंड देखते हैं भाई फटाफट से पूरे के पूरे सामान उसके अंदर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं चेस्ट लगाने वाला हूँ, चलो इधर लगा देते हैं, इधर थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे चेस्ट प्लेस कर देता हूँ एंड जो भी भाई कीमती सामान है देखो, ये आयरन है हो गया एंड ये पूरा का पूरा आयरन भाई, 3 स्टैक आयरन मैंने कलेक्ट करा है यहाँ पे। एंड ये रेड स्टोन हो गया भाई, एंड ये लैपिस लेक्लूजी हो गया, एंड ये एमएनएस जियोट हो गया भाई, ये पूरे कीमती सामान है गाइस, तो संभाल के तो रखना ही पड़ेगा ना भाई, तो इसलिए। तो चलो भाई अभी फटाफट से यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा सामान लगा लिए, अभी फटाफट से बनाते हैं गाइस हम लोग अपने लिए एक अच्छा सा डायमंड आर्मर। भाई बहुत दिनों से वेट करा था भाई ये डायमंड आर्मर बनाने के लिए एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी गाइस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाता हूँ अपना एक हेलमेट, फर्स्ट चेस्ट प्लेट बनाते हैं, उसके बाद एक मतलब पैंट बना लिया एंड जूते बना लिए, ठीक है। एंड भाई एक शॉर्ट भाई एक और पिकैक्स बना लिया गाइस मैंने गलती से, चलो कोई ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा डायमंड है तो शॉर्ट ही बना लेंगे, 2 पिकैक्स होंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। चलो गाइस अभी फटाफट से पहन लेते हैं ये पूरे के पूरा आर्मर को, ठीक है। यहाँ पे मैं पहनता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट प्लेट एंड पैंट एंड जूते भी पहनते हैं एंड एक भाई हेलमेट किधर लगा दिया, ओके इधर है हेलमेट, तो चलो लगा लिया गाइस। भाई अभी थोड़ा भाई पावरफुल फील हो रहा है गाइस, ओके। तो चलो गाइस आज इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। गाइस थोड़ा ये वाला ग्राफ देखो गाइस, भाई बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं पर भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे गाइस, क्यों ऐसे कर रहे हो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपके सब्सक्राइब से ना भाई हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो जाओ भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो, किसकी देरी है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।